आगे अपन देखेंगे गैसों की विशिष्ट ऊष्मा। इसके पहले वाले क्लास में हमने विशिष्ट ऊष्मा के बारे में पढ़ा है। विशिष्ट ऊष्मा किसे कहते हैं? एकांक द्रव्यमान के ताप को एक अंश सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। ठीक है, उस अब आपका ठोस में देख लिए, है ना, द्रव में देख लिए, अब आता है आपका गैस। ठीक है, तो अब देखते हैं गैसों की विशिष्ट ऊष्मा। ठीक है, तो जैसे किसी ठोस द्रव को यदि हम गर्म करते हैं, है ना, तो उस स्थिति में आपका क्या होता है, जो पूरी ऊष्मा दे रहे हो उसको, वो ज़्यादातर उसके ताप बढ़ाने में ही उपयोग में आता है, है ना। यदि ठोस को लेते हैं तो भी और द्रव को लेते हैं तो भी, दोनों ही कंडीशन में ज़्यादातर जो ऊष्मा उपयोग में लाई जा रही है वो किस में किसके लिए है, वो ताप बढ़ाने के लिए। ठीक है, लेकिन गैस के लिए ऐसा नहीं होता। हम देखते हैं गैस का, यदि हम ऊष्मा गैस को देते हैं तो उस स्थिति में उसका ताप तो बढ़ेगा ही, साथ साथ किस में वृद्धि होती है, उसके दाब और आयतन में भी परिवर्तन होता है। दाब में भी परिवर्तन होता है, साथ साथ आयतन में भी बहुत अधिक मात्रा में परिवर्तन होता है। ठीक है, तो इसीलिए इसकी जो विशिष्ट ऊष्मा है, गैस की जो विशिष्ट ऊष्मा है, वो ठोस और द्रव की विशिष्ट ऊष्मा से क्या होगी, अलग होगी। ठीक है, तो इसके आधार पर इसको दो कैटेगरी में बांटा गया है, है ना, गैसों की विशिष्ट ऊष्मा को, कि आप किस तरीके से उसको ऊष्मा दे रहे हो, है ना, वो उसकी विशिष्ट ऊष्मा किस पर डिपेंड करती है, कि आप गैस को किस कंडीशन में ऊष्मा दे रहे हो। आपने दाब स्थिर रखा है कि आयतन स्थिर रखा है, क्योंकि दो चीज़ों पर ये डिपेंड करता है, कौन कौन सा, आपका पहला दाब और दूसरा आयतन, है ना। तो आपने दाब और आयतन में किस प्रकार का परिवर्तन किया है, उस पर उसका गैस की विशिष्ट ऊष्मा निर्भर करती है। इसके आधार पर इसको दो भागों में बांटा गया है, पहला है आपका स्थिर दाब पर गैस की विशिष्ट ऊष्मा और दूसरा है स्थिर आयतन पर गैस की विशिष्ट ऊष्मा। तो पहला आपका क्या होगा, स्थिर दाब पर गैस की विशिष्ट ऊष्मा और दूसरा है आपका स्थिर आयतन पर गैस की विशिष्ट ऊष्मा। ठीक है, तो दो भाग हो गए इसके, विशिष्ट गैस की विशिष्ट ऊष्मा के, पहला स्थिर दाब पर और दूसरा स्थिर आयतन पर। ठीक है, तो स्थिर दाब पर गैस की विशिष्ट ऊष्मा से क्या मतलब है, क्या अर्थ है, नाम से ही पता चल रहा है कि हम क्या करेंगे, दाब को क्या रखेंगे, स्थिर रखेंगे, उसके बाद हम क्या देंगे, उस गैस को ऊष्मा प्रदान करेंगे, तो उस समय जो उसकी विशिष्ट ऊष्मा होगी, है ना, उसका अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो स्थिर दाब पर गैस की विशिष्ट ऊष्मा की परिभाषा क्या हो जाएगी, स्थिर दाब पर किसी गैस, यदि ग्राम में ले रहे हैं, गैस के द्रव्यमान को किस में ले रहे हैं, यदि ग्राम में ले रहे हैं, है ना, तो क्या हो जाएगा, एक ग्राम द्रव्यमान के ताप को एक अंश सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा गैस की विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। ठीक है, कंडीशन क्या है, दाब आपका स्थिर रहेगा। ठीक है, तो इसके लिए आप दूसरा है आपका स्थिर आयतन पर गैस की विशिष्ट ऊष्मा, स्थिर आयतन में क्या हो जाएगा, आपका आयतन स्थिर रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो इसके लिए परिभाषा क्या हो जाएगी, स्थिर आयतन पर किसी गैस के एक ग्राम द्रव्यमान के ताप को एक अंश सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा स्थिर आयतन पर गैस की विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है।
ठीक है, तो ये हो गया ग्राम में, ठीक है, ये किसमें परिभाषा हो गई, ग्राम में, ठीक। यदि आप मोल के रूप में ले रहे हैं, है ना, यदि आपने गैस का द्रव्यमान किसमें लिया है, मोल में, तो मोल में क्या हो जाएगा परिभाषा, स्थिर दाब के लिए है तो स्थिर दाब पर किसी गैस के एक मोल द्रव्यमान के ताप को एक अंश सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा उस गैस की स्थिर दाब पर गैस की विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है, ठीक है। उसी प्रकार दूसरा भी चेंज हो जाएगा आपका, आपका यहाँ भी क्या हो जाएगा, स्थिर आयतन पर गैस के एक मोल द्रव्यमान के ताप को एक अंश सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा उस गैस की स्थिर आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है, ठीक है। तो एक परिभाषा किस रूप में हो गई, ग्राम के रूप में हो गई, और एक मोल के रूप में हो गई, ठीक है। आपका कंडीशन डिपेंड करता है आपने किस में लिया है, गैस का जो द्रव्यमान लिया है किस में लिया है, ठीक है। क्योंकि ग्राम के रूप में लोगे तो थोड़ा अंतर आता है, है ना, क्योंकि प्रत्येक गैस का द्रव्यमान अलग अलग होगा, ठीक। यदि मोल के लिए लेते हो तो मोल के लिए एक मोल में अणुओं की संख्या हो क्या होती है, सभी गैसों के लिए समान होती है, ठीक है। तो ये मोल में हो गया और एक आपका ग्राम में हो गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका दो प्रकार की विशिष्ट ऊष्मा, स्थिर आयतन पर और स्थिर दाब पर। इसके लिए नोटेशन है आपका, स्थिर दाब पर गैस की विशिष्ट ऊष्मा को हम सी पी से डिनोट करते हैं, पी प्रेशर दाब, है ना, और सी विशिष्ट ऊष्मा का संकेत है गैस के लिए, ठीक है। तो ये क्या पढ़ेंगे अपन, स्थिर दाब पर गैस की विशिष्ट ऊष्मा, ठीक है, और स्थिर आयतन पर गैस की विशिष्ट ऊष्मा का संकेत है सी वी, जहाँ V का मतलब है कि यहाँ क्या स्थिर रखा गया है, V को स्थिर रखा गया, आयतन को स्थिर रखा गया है, ठीक है। तो स्थिर आयतन पर गैस की विशिष्ट ऊष्मा, आपका ये CP और ये आपका CV, ठीक है। तो ये हो गया इसका नोटेशन। अब यदि हम स्थिर आयतन पर किसी गैस के n मोल के लिए निकालना चाहें ऊष्मा की मात्रा, है ना, तो आपका उसमें क्या सूत्र था, विशिष्ट ऊष्मा के में ऊष्मा की मात्रा निकालते थे तो सूत्र क्या आया था, डेल क्यू इक्वल टू एम एस डेल टी, ठीक है। तो आपका एम एस डेल टी था, ठीक। उसी प्रकार यदि इसके लिए भी निकालना चाहें गैस के लिए, तो आपका सूत्र क्या हो जाएगा, स्थिर दाब के लिए, स्थिर दाब के लिए आपका सूत्र है स्थिर दाब पर n मोल गैस के लिए डेल टी ताप बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा डेल क्यू बराबर, यहाँ कितने मोल दिया है, एन मोल, तो एम की जगह क्या आ जाएगा, एन, एस विशिष्ट ऊष्मा था उसमें, तो इसमें क्या आ जाएगा, स्थिर दाब पर विशिष्ट ऊष्मा सी, स्थिर दाब पर क्या हो, सी पी, सी पी, और आपका ताप कितना है, डेल टी, ठीक है। उसी प्रकार दूसरा है आपका स्थिर आयतन पर आपका आवश्यक ऊष्मा एन मोल के लिए के लिए, है ना, डेल टी ताप बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा डेल क्यू इक्वल टू यहाँ हो जाएगा एन सी वी डेल टी, ठीक है। स्थिर दाब के लिए आवश्यक ऊष्मा और ये है आपका स्थिर आयतन के लिए आवश्यक ऊष्मा।
आगे है आपका सीपी सीवी से बड़ा होता है, सीपी बड़ा होता है सीवी से। इसका कारण क्या है? सीपी मतलब स्थिर दाब पर गैस की विशिष्ट ऊष्मा, ठीक है। स्थिर दाब पर गैस की विशिष्ट ऊष्मा और सीवी क्या है? स्थिर आयतन पर गैस की विशिष्ट ऊष्मा, ठीक है। तो यदि हमने गैस किसी सिलेंडर में, अब हमने क्या रखा है, गैस रखा हुआ है, ठीक है, आप क्या कर रहे हो, उसका ताप बढ़ा रहे हो, लेकिन आयतन को आपने क्या कर दिया, स्थिर कर दिया, ठीक है। तो आयतन स्थिर है, उस स्थिति में जो भी आप ऊष्मा दे रहे हो वो केवल क्या को बढ़ा रहा है, उसके ताप को बढ़ा रहा है। आयतन में तो कोई परिवर्तन हो नहीं रहा है, तो गैस को कोई कार्य करना पड़ रहा है क्या? नहीं है ना। तो जो भी ऊष्मा दे रहे हो वो केवल उसके ताप में वृद्धि कर रहा है, ठीक है। लेकिन उसी के जगह हम अगर दाब को स्थिर रखें तो उस स्थिति में क्या हो जाएगा, यदि हम दाब को स्थिर रखते हैं तो उस कंडीशन में दाब तो स्थिर है लेकिन आयतन तो परिवर्तित हो सकता है ना। तो जो भी ऊष्मा देते हैं वो उसके ताप को तो बढ़ाता ही है, गैस के साथ साथ क्या कर रहा है, उसके आयतन को भी बढ़ा रहा है, मतलब आयतन में भी वृद्धि हो रही है। मतलब ऊष्मा दो रूपों में खर्च हो रही है स्थिर दाब पर, एक तो ताप को बढ़ा रही है और दूसरी आयतन को भी बढ़ा रही है, ठीक है। तो सीवी सीपी से बड़ा हुआ कि नहीं? सीवी में क्या हो रहा था, केवल ताप बढ़ रहा था, जो भी ऊष्मा है वो ताप बढ़ाने में उपयोग में आ रही थी, लेकिन सीपी में स्थिर दाब पर क्या हो रहा है, ताप भी बढ़ रहा है प्लस आयतन भी बढ़ रहा है, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है, सीपी बड़ा होता है सीवी से, है ना। मतलब आपने ताप ऊष्मा दी तो ताप भी बढ़ा प्लस उसमें गैसों में आयतन बढ़ा, प्रसार हुआ, मतलब गैस के द्वारा क्या किया गया, स्थिर दाब के विरुद्ध कार्य किया गया, तभी तो आयतन बढ़ा, है ना। गैस फैलेगा तो गैस के द्वारा किया गया कार्य हुआ, तो गैस के द्वारा क्या किया जाता है, स्थिर दाब के विरुद्ध कार्य किया जाता है, ठीक है। तो दो रूपों में खर्च होती है, एक ताप बढ़ाने में प्लस दूसरा स्थिर दाब के विरुद्ध कार्य करने में गैस के द्वारा, ठीक है। तो आपका अगर सूत्र के रूप में लिखें तो किस रूप में लिखेंगे, सीपी आपका बड़ा होता है किससे, सीवी से। तो आपका इस रूप में लिख सकते हैं, सीपी जो स्थिर दाब पर गैस की विशिष्ट ऊष्मा है वो किसके बराबर होगी, दो रूपों में खर्च हो रही है, एक ताप बढ़ाने पर और दूसरा स्थिर दाब के विरुद्ध गैस द्वारा कार्य करने में जो ऊष्मा खपत हो रही है वो, ठीक है। दो रूप हो गए, तो आपका सीपी बराबर है सीवी के। सीवी क्यों लिया गया है, सीवी में क्या होता है, केवल ताप बढ़ता है ना, तो इसलिए यहाँ पर सीवी लिया गया है। प्लस ये तो ताप बढ़ाने में हुआ ऊष्मा, प्लस क्या किया जा रहा है, स्थिर दाब स्थिर दाब के विरुद्ध एक सेंटीग्रेड ताप या एक केल्विन ताप बढ़ाने पर गैस के द्वारा कार्य में ऊष्मा, ठीक है। तो दो रूप में हो गया, एक ताप बढ़ाने के लिए और दूसरा इससे दाब के विरुद्ध
जो गैस के द्वारा किया जा रहा है कार्य, उसके लिए जो ऊष्मा लग रही है वो, ठीक है। तो क्या हो गया आपका, अगर CV को इधर ले आते हैं तो CP माइनस CV, ठीक है, इक्वल टू स्थिर दाब के विरुद्ध गैस के द्वारा किया गया कार्य के लिए आवश्यक ऊष्मा, ठीक है। तो ये CP माइनस CV किसके बराबर हो गया, स्थिर दाब के विरुद्ध गैस के द्वारा किए गए कार्य के लिए आवश्यक ऊष्मा के बराबर है, ठीक है। तो इस प्रकार आप लोग को समझ में आ गया, CV छोटा होता है आपका CP से, ठीक है, किस कारण होता है, ये भी क्लियर है, ठीक है। आगे है आपका CP और CV में संबंध, CP और CV में संबंध, ठीक है। इसके लिए एक आयताकार पात्र ले लेते हैं, AB CD, ठीक है। इस पात्र में ऊपर की ओर एक पिस्टन लगा हुआ है, वायुरोधक पिस्टन, घर्षण रहित और वायुरोधक पिस्टन लगा हुआ है ये, ठीक है। और यहां पर क्या भरा हुआ है आपका, एक मोल गैस भरा हुआ है, ठीक है। ये पिस्टन P से डिनोट करते हैं, ठीक। यदि ताप बढ़ा दिया जाए, ठीक है, ये क्या है आपका T केल्विन ताप पर ये आपने क्या कर दिया, एक अंश सेंटीग्रेड बढ़ा दिया ताप को, टी प्लस वन केल्विन पर, ये टी केल्विन पर, ठीक है। तो सबसे पहले अब हम क्या लेते हैं, एक आयताकार पात्र लेते हैं, उसमें एक मोल गैस भरते हैं, ठीक है। उसका संबंध एक पिस्टन से है, वायुरोधक और घर्षण रहित पिस्टन से, ठीक है। इसके द्वारा हम आगे पीछे करके दाब में आयतन में परिवर्तन कर सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए आपके जो गैस भरा हुआ है उसका जो प्रारंभिक ताप है वो आपका कितना था, टी केल्विन था, ठीक है। आपने क्या कर दिया, एक अंश सेंटीग्रेड बढ़ा दिया, ठीक। दाब को आपने यहाँ क्या रखा है, स्थिर रखा है, किसको स्थिर रखा है, दाब, दाब स्थिर है, ठीक है। तो आप जैसे ही एक अंश सेंटीग्रेड बढ़ाओगे, मतलब टी केल्विन था उससे आपने एक अंश सेंटीग्रेड बढ़ा दिया, तो क्या हो गया, टी प्लस वन केल्विन। ताप बढ़ने पर क्या होगा, उसके आयतन में वृद्धि होगी, गैस में प्रसार होगा, जिससे आपका जो पिस्टन है वो क्या हो गया, ऊपर की ओर चला गया। तो विस्थापन कितना हुआ, एक्स, एक्स विस्थापन
हो रहा है, ठीक है। तो इस स्थिति में मान लीजिए इसके अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है वो आपका क्या है, ए है। माना कि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए है, ठीक है। इस स्थिति में क्या हो रहा है, आपके गैस के द्वारा कार्य किया जा रहा है, मतलब गैस क्या कर रही है, पिस्टन को, जैसे पिस्टन इस प्रकार था तो गैस ने क्या किया, ऊपर की ओर उसको धकेला, है ना। तो गैस के द्वारा क्या लगाया जा रहा है, बल लगाया जा रहा है ना। तो इसी को लिखेंगे गैस के द्वारा लगाया गया बल पिस्टन पर। गैस के द्वारा पिस्टन पर लगाया गया बल। बल, बल बराबर क्या होता है, सूत्र दाब गुणित क्षेत्रफल, क्या होता है, दाब गुणित क्षेत्रफल। तो आपका बल F, बल को F से डिनोट करते हैं, F दाब कितना हो लग रहा है, P दाब स्थिर है, इसलिए दाब में कोई परिवर्तन नहीं होगा, चाहे प्रारंभिक स्थिति हो चाहे अंतिम स्थिति हो, दोनों ही कंडीशन में ये P ही रहेगा, ठीक है। तो दाब कितना हो गया, P, ठीक है। और क्षेत्रफल कितना है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है, तो P इंटू कितना हो गया, A, इक्वेशन वन, ठीक है। अब ऊपर की ओर बल लगा रहा है गैस, तो कार्य होगा, इसमें कार्य होगा, ठीक है। तो किया गया कार्य, आगे लिखते हैं, इसलिए गैस के द्वारा किया गया कार्य, कार्य बराबर क्या होगा, कार्य बराबर क्या होता है सूत्र, बल गुणित विस्थापन, ठीक है। तो यहां पर आपका होगा बल गुणित विस्थापन, ठीक है। बल कितना है, F कितना है, P इंटू A, समीकरण एक से P इंटू A हो गया। और विस्थापन कितना हो रहा है, यहां पर x हो रहा है विस्थापन, ठीक है। तो P इंटू A इंटू x, ठीक है। तो ये आपका निकल गया, किया गया कार्य, ठीक। अब यहां पर देखते हैं जो किया गया कार्य है बराबर कितना आया है, P इंटू A इंटू x। A इंटू x क्या है, ये क्षेत्रफल हुआ और x विस्थापन हो गया, है ना। तो क्षेत्रफल गुणित विस्थापन क्या होता है, आयतन होता है, ठीक है। तो यहां पर शुरू में आपका मान लीजिए आयतन आपका V1 था, ठीक है। आपने ताप दिया तो इसके आयतन में वृद्धि हुई, ठीक है। तो मान लीजिए यहां पर आयतन कितना है, V2 है, ठीक है। तो आयतन में परिवर्तन कितना हो रहा है, V2 माइनस V1, आपका कितना आया, कार्य बराबर, ये तो P रहेगा ही, है ना। A इंटू जो X है, क्षेत्रफल गुणित विस्थापन, वो किसके बराबर होगा, आयतन के बराबर, ठीक है। तो आपका इसके जगह क्या लिख सकते हो, A इंटू X के जगह आयतन में परिवर्तन V2 माइनस V1,
ये हो सकता है यहाँ साइड में लिख लीजिए, चूंकि आपका ए एक्स बराबर किसके हैं, वी टू माइनस वी वन के, ठीक है। तो आपका ये आ गया कार्य बराबर, है ना। अब इसमें गैस के द्वारा किए गए कार्य के लिए आवश्यक ऊष्मा, आवश्यक आवश्यक ऊष्मा, ये जो कार्य है यही क्या होगा, आवश्यक ऊष्मा के बराबर होगा, ठीक है। ऊष्मा बराबर कितना आ गया आपका, पी वी टू माइनस वी वन, समीकरण ए, ठीक है, ये आ गया। अब आपका सीपी किसके बराबर था, अभी आपने देखा सीपी माइनस सीवी किसके बराबर आया था, गैस द्वारा किए गए कार्य के लिए आवश्यक ऊष्मा के बराबर आया था। यही आ गया आपका, गैस के द्वारा किए गए कार्य के लिए आवश्यक ऊष्मा, मतलब सीपी माइनस सीवी, है ना। तो इसकी जगह सीपी माइनस सीवी लिख सकते हैं, सीपी माइनस सीवी इक्वल टू कितना आ गया आपका, पी वी टू माइनस वी वन, इक्वेशन टू, ठीक है। अब है आपके गैस समीकरण से, गैस समीकरण क्या होता है, गैस समीकरण क्या होता है, चूंकि गैस समीकरण से PV इक्वल टू कितना होता है RT, ये सूत्र है आपका गैस समीकरण का, PV इक्वल टू RT, ठीक है। तो आपका समीकरण दो से P V1 निकालना चाहेंगे, तो V1 जब आयतन है तो ताप कितना है, T है, तो कितना हो जाएगा PV1 इक्वल टू RT, ये होगा। उसी प्रकार जब आयतन V2 है तो ताप कितना है, T प्लस वन है, है ना। तो आपका P V2 इक्वल टू कितना होगा, R T प्लस वन। इन दोनों मानों को समीकरण दो में रखने पर, ठीक है, समीकरण दो में रखोगे तो कितना आएगा आपका, CP माइनस CV इक्वल टू आपका PV2 माइनस PV1 था वहाँ पे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, PV2 का मान कितना है, R T प्लस वन, और PV1 का मान कितना है, RT माइनस RT, इसको खोलोगे तो कितना आएगा, RT प्लस R माइनस RT, तो RT जो है आपका कैंसिल हो गया, एक प्लस में है एक माइनस में, क्या बचा केवल R बचा। तो आपका CP माइनस CV इक्वल टू कितना आ गया, R, ठीक है। ये है आपका CP और CV में संबंध, ठीक है, ये किसके इक्वल होता है, आपके R के इक्वल होता है, ठीक है। तो आपका इस सूत्र को मेयर नामक वैज्ञानिक ने निकाला था, तो उन्हीं के नाम पर इसको क्या कहते हैं, मेयर इक्वेशन कहते हैं, CP माइनस CV इक्वल टू R। तो ये आपका जूल में है ना, अभी किसमें लिया गया है, जूल में है, ठीक है। यदि आप कैलोरी में अगर कन्वर्ट करना चाहें, ठीक है, तो आप क्या कर दोगे, CP माइनस CV इक्वल टू आपका R आया था, है ना,
ये किसमें है आपका, जूल प्रति किलोग्राम केल्विन में है, ठीक है। अगर आप इसको किसमें कन्वर्ट करना चाहें, कैलोरी में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जे से डिवाइड करना पड़ेगा आर को, आर अपान क्या कर दोगे जे, जहां जे का मान होता है आपका 4.2। आप लोगों ने फर्स्ट में ही पढ़ा होगा जूल और कैलोरी में संबंध, जिसमें एक कैलोरी बराबर कितना था, 4.2 जूल था, ठीक है। तो जे का मान वही है आपका। यदि आप कैलोरी को, आप जूल को कैलोरी में कन्वर्ट करना चाहेंगे, क्या करना पड़ेगा, 4.2 से डिवाइड करना पड़ेगा मान को, ठीक है। तो यहाँ पर जे आपका क्या है, 4.2 है, और आर आपका रिकवर्ड कांस्टेंट, ठीक है। तो ये हो गया आपका सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर अपान जी। अब आगे निकालते हैं इसी का मान, विशिष्ट ऊष्मा का मान एक परमाणु गैस के लिए और दुई परमाणु का गैस के लिए। तो सबसे पहला आपका आता है एक परमाणु गैस के लिए विशिष्ट ऊष्मा। एक परमाणु या विशिष्ट ऊष्मा। एक परमाणु गैस मतलब, एक परमाणु गैस कौन कौन से हैं, जैसे हीलियम है ना, अक्रिय गैसें जो जैसे आर्गन, नियॉन, इन लोग क्या है, एक परमाणुक अवस्था में रहते हैं, ठीक है। तो ये क्या कहलाते हैं आपके, एक परमाणु गैस कहलाते हैं, ठीक है। तो एक परमाणु गैस के लिए आपका स्वतंत्रता की कोटि जो होती है तीन होती है, कितनी होती है, तीन। मतलब एक परमाणु गैस है उसमें स्थानांतरित गति ही होगी, गति करेगा तो थ्री डायमेंशनल में ही कर सकता है, एक्स वाई और जेड। तो उसके अनुसार कितने हो गए स्वतंत्रता की कोटि, तीन, तीन हुए, ठीक है। जिसकी स्वतंत्रता की कोटि तीन होती है, और प्रत्येक स्वतंत्रता की कोटि के सापेक्ष क्या होता है, गतिज ऊर्जा होता है, ठीक है। तो इसके अनुसार प्रत्येक स्वतंत्रता की कोटि, प्रत्येक स्वतंत्रता की कोटि से संलग्न ऊर्जा बराबर होता है 1/2 केटी, ठीक है, 1/2 केटी, जहां के बोल्ट्जमैन नियतांक है, मैन नियतांक है तथा टी परम ताप है, टी परम ताप है, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्रत्येक स्वतंत्रता की कोटि के साथ क्या संलग्न है, 1/2 के टी गतिज ऊर्जा संलग्न है, ठीक है। तो ये तो किसके लिए हो गई, प्रत्येक स्वतंत्रता की कोटि के लिए, लेकिन एक परमाणु की कितनी स्वतंत्रता की कोटि है, तीन। तो हम एक अणु की यदि बात करते हैं तो उस स्थिति में क्या हो जाएगा, तीन से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। तो अतः प्रति अणु ऊर्जा बराबर 3 × 1/2 k
केटी हो जाएगा, 3 upon 10 into 1 upon 2 KT। अतः ये तो कितना हो गया प्रति अणु गतिज ऊर्जा, ठीक है। यदि हम बात करें एक मोल के लिए, एक मोल गैस के लिए ऊर्जा E बराबर क्या हो जाएगा, कितना आया था प्रति अणु 3 upon 2 KT आया था, है ना। तो एक मोल में मान लीजिए एन अणु है, है ना, तो आपका क्या करना पड़ेगा, एन से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है आपका। तो ये आपका E इक्वल टू कितना आ गया, 3 upon 2 NKT। E गतिज ऊर्जा बता रहे हैं ना, ऊर्जा का सिंबल है, ठीक है। तो E इक्वल टू आपका आ गया 3 upon 2 NKT। यहाँ पर एन के इक्वल टू आर रखने पर एन के आर के बराबर है, तो ई इक्वल टू आपका हो जाएगा 3 upon 2 RT, ठीक है। 3 upon 2 RT यदि आपका जूल में है तो जूल, ई इक्वल टू 3 upon 2 RT, ठीक है। तो ये आपका क्या है, ये क्या निकला है आपका, कुल ऊर्जा निकली है, है ना। एक मोल के लिए आपका ऊर्जा, ऊर्जा क्या है, ऊर्जा बोलो या ऊष्मीय ऊर्जा, यहाँ पर एक ही है, ठीक है। तो यही क्या है आपका ऊष्मीय ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा कितना निकला, E इक्वल टू 3 upon 2 RT, ठीक है। तो आपका यदि हम स्थिर आयतन की बात करते हैं, है ना, तो स्थिर आयतन पर dT ताप वृद्धि पर ऊष्मीय ऊर्जा की मात्रा उसमें ऊर्जा की मात्रा यदि dE हो तो, यदि आप इस आयतन पर ताप में वृद्धि कितना कर रहे हैं dT अल्प परिवर्तन, है ना, तो उसकी उसमें ऊर्जा की मात्रा कितने यूज हो रही है d, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा सूत्र, उसमें ऊर्जा की मात्रा का dE इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 CV dT। 1 एक मोल लिए हैं इसलिए 1 है यहाँ पर, है ना। d ऊष्मीय ऊर्जा, वहाँ डेल क्यू यूज हुआ था, डेल क्यू हुआ था ना ऊष्मीय मात्रा के लिए, तो यहाँ आपका d यूज की जगह, ठीक है। यहाँ पर आपका मोल के लिए एक मोल, ठीक है। CV आपका स्थिर आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा और dT ताप में वृद्धि, ठीक है। तो आपका d इक्वल टू CV dT, CV इक्वल टू क्या हो जाएगा, बाकी को CV को एक साइड रखो, बाकी को दूसरे साइड पक्षांतर कर दो, तो कितना आ जाएगा dE upon dT, ये आया CV इक्वल टू dE upon dT। E का मान कितना निकाले हैं आप, E का मान आपका कितना आया है 3 upon 2 RT, कितना आया है 3 upon 2 RT, उसका मान E की जगह हम रख देंगे 3 upon 2 RT, ठीक है। ये अवकलन हो रहा है यहाँ पर T के सापेक्ष, तो T वाले पद यहाँ रहेंगे अंदर, बाकी बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। तो आपका 3 upon 2 RT
डी अपान डी टी, यहाँ क्या बच गया केवल टी, है ना। तो टी का मान कितना हो जाएगा, अवकलन करोगे तो 1 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका कितना आ गया, सी वी इक्वल टू आपका कितना आ गया 3/2 R, टी का मान कितना हो गया 1, ठीक है। तो आपका ये समीकरण आ गया सी वी इक्वल टू 3/2 R। अब हम सी वी और सी में क्या रिलेशन है, सी वी और सी पी में, सी चूंकि सी पी माइनस सी वी इक्वल टू कितना होता है R, समीकरण एक से सी वी का मान रख दे तो आपका कितना आएगा, सी पी इक्वल टू सी वी इधर चले जाएगा तो R प्लस सी वी, R प्लस सी वी का मान कितना है समीकरण एक से 3/2 R, तो कितना हो गया, योग करोगे तो कितना आएगा, कितना आएगा सी पी इक्वल टू कितना आएगा, 2 लघुत्तम आ जाएगा, है ना, 2 × 2 3 × 2 5 5 R/2, तो ये आ गया आपका सी वी सी पी का मान, तो ये आ गया सी वी और सी पी का मान, ठीक है। तो एक परमाणु के जो गैस है उनके लिए सी वी का मान कितना होता है 3/2 R और सी पी का मान होता है 5/2 R, ठीक। तो ये हो गया आपका एक परमाणु गैस के लिए। उसी प्रकार यदि हम निकालना चाहें द्विपरमाणु गैस के लिए, है ना, तो द्विपरमाणु गैस का जो द्विपरमाणु गैस कौन कौन से हैं आपके, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन किस रूप में रहता है, H2 के रूप में रहता है। ऑक्सीजन का सिंबल क्या है, O2, है ना, 2 लिखा रहा है ना, तो ये क्या कहलाते हैं, द्विपरमाणु गैस, ठीक। तो द्विपरमाणु जो गैस है उसकी जो स्वतंत्रता की कोटि होती है वो 5 होती है। जैसे एक परमाणु गैस के लिए कितना था, 3 था, क्योंकि उसमें स्थानांतरित गति होती है, स्थानांतरित गति 3 डायरेक्शन में ही हो सकता है, एक्स वाई और जेड। अब आपका द्विपरमाणु गैस है तो वो स्थानांतरित गति तो करता है एक्स वाई जेड में, बट वो घूर्णी गति भी करता है, ठीक है, 2 डायरेक्शन में क्या कर रहा है, घूर्णी गति भी कर रहा है। तो 2 गति किसकी हो गई, घूर्णी गति की, और 3 स्थानांतरित गति के, तो टोटल कितने हो गए स्वतंत्रता की कोटि, 5। तो यहाँ पर आपका क्या अंतर आ जाएगा, जहाँ आप 3 लिखे हो, है ना, वहाँ आपका 5 से गुणा कर दोगे, ठीक है। तो आपका आ जाएगा द्विपरमाणु गैस के लिए स्वतंत्रता की, सॉरी आपका ऊष्मीय ऊर्जा की मात्रा और सी पी और सी वी का मान, ठीक है। आगे एक उदाहरण दिया हुआ है, उसको देखते हैं, सी पी और सी वी की गणना करनी है आपको। उदाहरण है आर्गन के लिए, आर्गन कैसा है, एक परमाणु गैस है, ठीक है। आर्गन के लिए सी पी और सी वी की गणना करना है, ठीक है, जहां आपका आर का मान दिया हुआ है 8.3 जूल प्रति मोल केल्विन, है ना। आपको किसके लिए गणना करनी है, आर्गन के लिए, है ना। किसका मान निकालना है आपका, सी पी और सी वी का मान निकालना है। आपको R का मान कितना दिया है, R का मान दिया है 8.3 जूल R का मान दिया है 8.3 जूल प्रति मोल केल्विन, ठीक है। अब है आपका एक परमाणु गैस के लिए आपको क्या निकालना है, CV और CP। तो कैसे निकालोगे, एक परमाणु गैस के लिए CV का मान कितना होता है, CV इक्वल टू आपका 3/2 R, ये होता है, ठीक है।
अब यदि इसको आप किसमें लिखते हैं, कैलोरी में, तो क्या करना पड़ेगा, जे से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, 3/2। आर का मान कितना दिया है, 8.3, और जे का मान कितना होता है, 4.18, या अगर राउंड फिगर में लेना चाहो तो 4.2। तो यहाँ आप लिख देते हैं 4.18, ठीक है। तो इसको आप हल करेंगे तो कितना आएगा, सॉल्व करके देखने से कितना आएगा आपका, CV=3/2, है ना, × 8.3/4.18, ठीक है। तो आपका मान आएगा 2.98, कितना आता है आपका CV का मान, यदि इसको हल करते हो 2.98 कैलोरी ठीक है। ये आ गया आपका CV का मान। आगे आपको निकालना है CP का मान। तो CP का मान कितना आएगा, CP का मान कितना था, CP इक्वल टू कितना था आपका, 5/2 R, ठीक है। तो 5/2 यदि आप कैलोरी में ले रहे हैं तो CP इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5/2 R अपान J, ठीक है। 5/2 R का मान कितना है आपका, 8.3, और इसका मान कितना है आपका, 4.18। तो इसको सॉल्व करते हैं तो आपका आता है मान 4.96, कितना आता है, 4.96 कैलोरी ग्राम आपका, ठीक है। तो इस प्रकार हम CP और CV का मान निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतने ही, धन्यवाद। तापमिति एवं उष्मी प्रसार पढ़ते समय हमने एक उदाहरण लिया था जिसमें CP आर्गन के लिए CP और CV की गणना की थी। उसमें आप लोग उसमें भी सुधार कर लीजिए कि जब CV का मान हम निकालते हैं, हम किस में ले रहे हैं, यदि मोल में ले रहे हैं, ग्राम के लिए ठीक है वो, लेकिन यदि हम क्या ले रहे हैं, मोल में ले रहे हैं, तो उस समय आपका CV का मान आपका निकलेगा, CV का मान होगा, CV का 2.98, कितना होगा, CV का मान 2.8 कैलोरी प्रति मोल प्रति केल्विन। तो क्या हो जाएगा आपका, कैलोरी ये हो, तो वहां पर आपका क्या था, ग्राम और किलोग्राम लिखा गया था, तो वहां आप क्या लिख लेंगे, मोल लिख लेंगे, क्योंकि हम क्या ले रहे हैं, मोल में ले रहे हैं। उसी प्रकार CP का मान कितना आ जाएगा, CP का आपका मान आएगा 4.96, कितना आएगा, 4.96 कैलोरी केल्विन -1। तो यहाँ आप मात्रक में करेक्शन थोड़ा सा कर लेंगे।